How are you all? I hope you all are fantabulous and studying at home. So, in the previous class, we have covered countable and uncountable nouns and articles as well. So, what are countable noun and uncountable noun? Countable noun are those which can be counted using numbers, and uncountable noun are those which cannot be counted using numbers. सर इन द काउंटेबल नाउन मीन्स कैन यू काउंट फूड, फूड को काउंट कर सकते हो, एक फूड, दो फूड, नो. कैन यू काउंट बुक्स, येस, आई वॉन्ट वन बुक, टू बुक्स, थ्री बुक्स. काउस, यू कैन काउंट काउस. बट इफ यू टॉक अबाउट ऑयल, कैन यू काउंट ऑयल, एक ऑयल बोलते हो आप कभी, 1 लीटर. सो विद दैट यू आर एडिंग समथिंग, दिस इज अनकाउंटेबल, एंड विद काउंटेबल यू आर नॉट एडिंग एनीथिंग. So today we are going to discuss further more about countable and uncountable noun. We know that some words are countable and other words are not countable. Now you know na, some words are countable while other words are not countable. Let us learn a few words we can use with each kind to express quantity. Countable nouns. We saw many birds. First of all, tell me, can you count the birds? Yes. Yes or no? Many. Many मतलब मैंने बहुत सारी birds देखी. Many मतलब बहुत सारी. What I am using? Many. So it is countable. Yes. We saw some birds. मैंने थोड़ी सी birds देखी. Some means थोड़ा. We did not see any birds. मैंने कोई bird नहीं देखी. Annie, I did not see any bird. It means मैंने कोई bird नहीं देखी. तो मैं कोई quantity बता रही हूँ, कम ज्यादा बता रही हूँ ना, थोड़ी bird, थोड़ी ज्यादा bird, मैंने बिल्कुल भी नहीं देखी. Yes, this is countable. Birds को count कर सकते हैं. तो हम इन words को use कर रहे हैं इनकी quantity बताने के लिए. पहले हम सिर्फ इतना बताना होता था कि हमें येस या नो, टिक या क्रॉस की काउंटेबल है, बट अब हम इन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं इनकी क्वांटिटी बताने के लिए. नाउ अनकाउंटेबल मीन्स जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. वी एट सम फूड, फूड काउंट कर सकते हो? खाने को काउंट कर सकते हो? हाँ, नो. वी एट सम फूड, हमने थोड़ा सा फूड खाया. तो सम हमने किस चीज के लिए? थोड़ा से के लिए. यस. वी एट अ लिटिल, हमने बहुत थोड़ा सा फूड खाया. लिटिल मतलब बहुत थोड़ा सा, लिटिल. वी डिड नॉट ईट मच फूड, हमने ज्यादा फूड नहीं खाया. ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड वी डिड नॉट ईट एनी फूड, हमने कोई फूड नहीं खाया. तो ये सारे वर्ड्स कौन से वर्ड सीखे? मैनी, सम, एनी, लिटिल. Many, some, any, little. We use much largely in negative sense. There is not much food left. मतलब जब किसी negative sense का मतलब ये होता है, हम किसी भी चीज में नहीं, ऐसा काम नहीं किया, नहीं, जब जिस चीज के लिए हम नहीं use करते हैं तो much use करते हैं. नॉट, जब नॉट आ रहा होता है तो मोस्टली मच यूज करते हैं. देयर इज नॉट मच फूड लेफ्ट, यहां पर ज्यादा खाना नहीं बचा है. देयर इज मच फूड लेफ्ट, यहां पर ज्यादा खाना बचा है. ये पॉजिटिव वे में जा रहा है, लेकिन हम मच मोस्टली नेगेटिव वे में यूज करते हैं. वेन द मीनिंग इज पॉजिटिव वी यूज लॉट्स ऑफ, जब हम किसी पॉजिटिव वे में किसी चीज को बताते हैं तो हम लॉट्स ऑफ यूज करते हैं. वी यूज सम इन पॉजिटिव, सम बर्ड्स, सम फूड. सो हम जब किसी पॉजिटिव चीज में पॉजिटिव बता रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव वे में बता रहे हैं, और हम नहीं करा, ऐसा नहीं करा, तो मोस्टली हम एनी और मच यूज करते हैं. ठीक है, नाउ इन सेंटेंसेस को कवर करेंगे. कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. सम, एनी, मैनी, मच, अ लिटिल. अब इसको फिल, वुड यू लाइक समथिंग टू ईट, आपसे पूछा जा रहा है कि आप कुछ खाना चाहोगे. येस, येस, आई वुड लाइक अ डैश
डैश राइस प्लीज, अ लिटिल राइस, उसने क्या बोला, मैं थोड़ा सा राइस, बहुत थोड़ा सा राइस खाऊंगा। यू लुक वेरी थर्स्टी, तुम बहुत प्यासे लग रहे हो। आई हैवंट हैड डैश वाटर सिंस मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग से पानी नहीं पिया है। जब हम किसी नेगेटिव वे में किसी चीज को बताते हैं तो क्या यूज करते हैं, मच या एनी, लेकिन मच वाटर नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, एनी वाटर, क्या आएगा, एनी वाटर सिंस मॉर्निंग। डू यू थिंक वी विल कैच द फ्लाइट, क्या तुम्हें लगता है हम फ्लाइट कैच कर लेंगे। वी मस्ट हरी, देयर इजंट डैश टाइम, अभी क्या ज्यादा टाइम नहीं बचा है, नहीं यूज कर रहे हैं। जब भी देखना नहीं ना हाँ यूज करते हैं तो सम मैनी हाँ ये सब चीज आते हैं, लेकिन हम जब किसी चीज के लिए ना यूज करते हैं ना तो हमें क्या यूज करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ता है बताइए, मच एंड एनी। ठीक है, I would like to choose a frame for this painting. मुझे एक फ्रेम चूज करना है इस पेंटिंग के लिए। Of course, there are dash types to choose from. बहुत सारे choices है हमारे पास, पॉजिटिव में बता रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फ्रेम्स हैं, तो उसमें से चूज कर सकते हैं, many, बहुत सारे। Are there biscuits left? I think there are some. बिस्किट्स इन द टिन, थोड़े से बिस्किट्स बचे हैं, पॉजिटिव वे में कि हाँ हमारे पास बिस्किट बचे। आई नीड टू बाय अ बस टिकट, डू यू हैव 10 रुपीज। आई एम सॉरी, आई डोंट हैव डैश मनी विथ मी, मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं के साथ एनी या मच, तो मच मनी नहीं आएगा, एनी आएगा, मनी नहीं। Where can we sit? There isn't. Isn't मतलब नहीं कोई चीज को मना। There isn't any furniture in the house. Clear? We can sit on the floor. There are dash मतलब mats है, तो some mats. Now, complete the opposites from opposites with opposites of words in A. Tiny, huge. Tiny, tiny means छोटा, huge means बड़ा। Backward, पीछे की तरफ, forward, आगे की तरफ, backward, forward, dull, you are dull, dull in studies, huh? Dull boy, intelligent, कोई dull, कमजोर, intelligent, समझ गए ना? Different, different means अलग, same, different का मतलब different opposite क्या होगा? Same, absent, present, rough, जेंटल, नेवर, ऑलवेज, वाइड, नैरो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू द नोट्स। काइंडली कंप्लीट द नोट्स इन योर नोटबुक, रीड द चैप्टर 3 times, डू ऑल द एक्सरसाइजेस ऑफ द बुक, डू ऑल द वर्क इन योर नोटबुक, लर्न इट, वट एवर होमवर्क वी आर गिविंग यू इन द ग्रुप, जस्ट डू इट एंड सेंड इट to me on the next day. I'm going to check it and please study. Stay safe. Take care.